क्या अमेठी में गांधी परिवार का दबदबा कम हो गया है? क्या 2019 में अमेठी से चुनाव हार सकते हैं राहुल गांधी? ये बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी अभी से ही 2019 के मिशन अमेठी पर लग चुकी हैं और तर्क के साथ साथ वो 2019 में राहुल गांधी की हार के लिए वॉर मैप भी तैयार कर रही हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की कुछ बातों में तो वाकई दम है और ये बातें कांग्रेस अध्यक्ष के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। स्मृति के मुताबिक 2014 में अमेठी की 5 विधानसभा सीटों में से एक भी भाजपा के पास नहीं थी, लेकिन पिछले 4.5 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। बीजेपी के पास अब यहाँ की 5 में से 4 विधानसभा सीटें आ चुकी हैं। इतना ही नहीं, स्थानीय निकाय की सीटों पर भी भाजपा का दबदबा देखने को मिलता है। स्मृति ईरानी के मुताबिक अब इस निर्वाचन क्षेत्र पर गांधी परिवार का असर खत्म हो रहा है और यहाँ कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व को स्वीकार नहीं किया जा रहा। हालांकि कांग्रेस इससे अलग अपना ही राग अलाप रही है। भले ही कांग्रेस का दम 2017 के यूपी विधानसभा चुनावों में निकल गया हो, लेकिन 3 राज्यों में मिली जीत ने कांग्रेस में नई जान फूंक दी है। अब बाकी के 3 राज्यों की जीत का जोश यूपी के अमेठी में देखने को मिल रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता इतनी ज्यादा खुशी में आ गए हैं कि वो तो राहुल गांधी को 2019 का पीएम तक मानने लगे हैं। अमेठी में इन दिनों एक नारा खूब उछल रहा है, अमेठी के एमपी 2019 के पीएम। लेकिन सियासी जानकारों की माने तो स्मृति ईरानी ने अंदर ही अंदर अमेठी में राहुल की बुनियाद को काफी खोखला कर दिया है। हार के बावजूद स्मृति अमेठी में पिछले 4.5 सालों में काफी सक्रिय रही हैं और उन्हें इसका फायदा 2019 में देखने को मिल सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर खाने में भी इस बात की चर्चाएं हैं कि स्मृति का काम राहुल को कड़ी टक्कर देने का मादा रखता है। 2014 के चुनाव में हार के बावजूद ईरानी ने अमेठी के करीब 30 दौरे किए हैं, जो कि राहुल गांधी से कहीं ज्यादा है। 2019 के चुनाव में सबसे दिलचस्प जंग तो अमेठी में ही होगी, क्योंकि यहां पर जो वोट युद्ध देखने को मिलेगा वो शायद ही कहीं और देखने को मिले। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।